डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। निगरानीकार के सुयोग्य अभिभाषक द्वारा गैर निगरानीकार जगदीश प्रसाद मीणा के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रतियां भी प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वेस्टर्न लॉ कैसेज सुप्रीम कोर्ट 2002 पृष्ठ 196 सुगंधी सुरेश कुमार बनाम जगदीश दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। विराम। सुयोग्य अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि गैर निगरानीकार को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया जाने के उपरांत न्यायालय द्वारा उसे समुचित दंड नहीं दिया गया है तथा धारा 3 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्यक प्रताड़ना देकर छोड़े जाने का आदेश दिया गया है, जबकि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रकरण भी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित थे, जिसकी प्रतिलिपि अभिभाषक द्वारा इस स्टेज पर प्रस्तुत की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विराम। धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह ऐसे प्रकरणों में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त को लाभ दे सकता है। विराम। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से अभियुक्त जगदीश प्रसाद मीणा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 110,000 रुपये का परिवादी के पक्ष में जारी चेक अनादरित हो जाने के कारण अपराध का दोषी पाया गया है। विराम। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय द्वारा गैर निगरानीकार को धारा 3 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर सम्यक प्रताड़ना देकर छोड़ा गया है, परंतु उस पर 120,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि परिवादी को दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। विराम। निगरानी की स्टेज पर न्यायालय को केवल अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की शुद्धता वैधता एवं औचित्यता के बारे में निर्णय किया जाना है तथा यदि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश शुद्धता वैधता या औचित्य के विरुद्ध है तो न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। विराम। जहां तक अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का बिंदु है, मजिस्ट्रेट को
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह समस्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दे सकता है। विराम। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध अन्य इसी प्रकार का प्रकरण लंबित होने का बिंदु है, केवल प्रकरण लंबित होने के आधार पर अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ गलत दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता। विराम। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लाभ दिया गया है, उस आदेश को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। विराम। संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी घाशीलाल द्वारा जरिए परिवाद एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि ग्राम अजय राजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 4 रकबा 0.20 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1021 हेक्टेयर भूमि पुश्तैनी होकर उसके पिता सुवालाल के नाम खातेदारी रिकॉर्ड में दर्ज थी। विराम। ग्राम पंचायत अजय राजपुरा ने मिलकर षड्यंत्र रचकर फर्जी तरीके से सुवालाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिनांक 4/5/1993 के स्थान पर दिनांक 30/5/1993 दर्शाकर बिना प्रार्थी की जानकारी के सुवालाल के नाम की दर्ज खसरा नंबर 4 व खसरा नंबर 1021 की भूमि का नामांतरण उर्मिला देवी एवं अन्य विधिक वारिसान के नाम दिनांक 12/4/2008 को फर्जी तरीके से खुलवाया। विराम समाप्त।